हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। गाइस, नीट यूजी 2023 के लिए अलर्ट आ चुका है, 14 लाख ठगे जा चुके हैं, जबकि काउंसलिंग जो है 2023 के स्टार्ट भी नहीं, उससे पहले ही कॉलेज बुलवाया गया, फॉर्म भरवाया गया और सरकारी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन का दिया है झांसा। ठीक है, कितने मार्क्स पर, कितने रैंक पर और किस कॉलेज में ऐसा हुआ है, 14 लाख रुपये ठगे गए हैं गाइस। इन चीज़ों का आपको ज़रूर 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 से ध्यान रख लेना है, इसलिए मैंने ये वीडियो पहले ही बना दी है। और ये अभी करंट का मामला है, ठीक है, क्योंकि जब स्टूडेंट्स का रिजल्ट आ गया, ऑल इंडिया रैंक स्टूडेंट्स ने देख लिया, उसके बाद गवर्नमेंट कॉलेज के लिए सब चाहते हैं एक्चुअल में कि उनको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए, तो उसके लिए ऐसे ऐसे जो है तरीके अपना रहे हैं। तो देखिए क्या अपनाया है, क्या है, किस तरीके से ये फंसा है स्टूडेंट। तो आगे चलने से पहले, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि नीट यूजी से रिलेटेड की हर टाइप की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। तो देखिए गाइस, तो गैज आज की ही न्यूज़ है, कल ऐसा हुआ है, ये कॉलेज बुलाया, फॉर्म भरवाया, सरकारी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन का दिया झांसा और 14 लाख ठगे गए। तो देखिए 14 लाख कैसे, ये दिल्ली की बात है गैज, दिल्ली के शाहबाद डेयरी इलाके में एक शख्स के साथ 14 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। शख्स के बेटे का एडमिशन सरकारी मेडिकल कॉलेज में कराने के नाम पर ठगी को अंजाम दिया गया। राजधानी दिल्ली में ठगी का हैरान करने वाला मामला सामने आया है। सरकारी मेडिकल कॉलेज में बेटे का एडमिशन करवाने का झांसा देकर ठगों ने एक आयुर्वेदिक डॉक्टर से 14 लाख रुपए ऐड लिए। और गाइस, मतलब बाप जो पिता थे वो भी क्या थे, आयुर्वेदिक डॉक्टर थे, आफ्टर दैट वो ऐसे झांसे में आ गए। वारदात को अंजाम देने के बाद ठग ऑफिस बंद कर फरार हो गए। पीड़ित ने मामले की सूचना पुलिस को दी। आउटर नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट की साइबर थाना पुलिस केस दर्ज कर आरोपियों की तलाश कर रही है। तो सरकारी कॉलेज में एडमिशन का दिया झांसा। पुलिस के मुताबिक मनोज गुप्ता शाहबाद डेयरी में रहते हैं। मनोज आयुर्वेदिक डॉक्टर है। पुलिस को शिकायत में बताया, पीड़ित ने बताया कि उनके बेटे कृष्ण कुमार ने जुलाई 2022 में नीट यूजी का एग्जाम पास किया। वे अपने बेटे के लिए अच्छे मेडिकल कॉलेज की तलाश कर रहे थे। इसी बीच एक अनजान नंबर से कॉल आया। कॉलर लड़की थी, जिसने बताया कि उनकी कंपनी MBBS काउंसलिंग और मेडिकल कॉलेज में एडमिशन करवाती है। कॉलर ने पीड़ित को यह भी बताया कि कंपनी के मालिक रजक राहुल सरकारी कॉलेज में पक्का एडमिशन करवा देंगे। पीड़ित कॉलर के बताए गए पते पर गाजियाबाद उनके ऑफिस में मिलने गए। वहां उन्हें दो लोग मिले, जिन्होंने मंत्रालय में जान पहचान का हवाला देते हुए बताया कि उनके बेटे का एडमिशन हो जाएगा, लेकिन इसके लिए 15 लाख रुपए लगेंगे। 1 लाख पहले और बाकी की रकम एडमिशन होने के बाद देनी होगी। पीड़ित ने पैसे कम करने की बात कही। उसके बाद गए जो फॉर्म है वो भी भरवाया गया, कॉलेज बुलाया, फॉर्म भी भरवाया। 14 लाख रुपए में उनके बेटे का एडमिशन रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज बांदा यूपी में करवाने की डील हुई। पीड़ित से आरोपियों ने 1 लाख रुपए लिए और उन्हें बांदा आने को कहा। पीड़ित अपने बेटे और रिश्तेदार के साथ बांदा पहुँचे। वहाँ आरोपी उन्हें अपने साथ कॉलेज में ले गया, जहाँ एक फॉर्म उन्हें भरने को दिया। फॉर्म भरने के बाद उन्हें बताया गया कि नाम में कुछ गलती आ गई है, वह कुछ दिन में मेल के जरिए एडमिशन लेटर भेज देगा। पीड़ित दिल्ली आ गए और बाकी के रुपए आरोपी को दे दिए। काफ़ी दिन बीत जाने पर पीड़ित ने रजक को कॉल किया। रजक को कॉल किया तो उसने बताया कि कॉलेज में CBI का छापा पड़ा है। बहुत दिनों तक लेटर नहीं मिलने पर पीड़ित आरोपी के ऑफिस पहुंचे तो पता चला ऑफिस बंद है। पूछताछ करने पर ऑफिस के मालिक ने बताया कि रजक को पिछले 1 महीने से नहीं देखा है और उसने किराया भी नहीं दिया है। पीड़ित को ठगी का एहसास हुआ और उन्होंने मामले की सूचना पुलिस को दी। तो गैस, आप लोग भी पहले से ही अलर्ट हो जाइएगा, क्योंकि ऐसा जो है काफ़ी बार हो चुका है और ऐसा होता आया है। तो 2023 में भी ये अलर्ट सभी को हो जाना चाहिए, क्योंकि जो लिस्ट होती है उसमें कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह वो सब हैक कर लेते हैं, आफ्टर दैट वो कॉल करते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेज का झांसा देते हैं मार्क्स के अकॉर्डिंग, और जिनके बिल्कुल ही कम मार्क्स होते हैं उनको प्राइवेट कॉलेज में जनरल सीट का झांसा देते हैं। तो इस चीज़ का आप लोगों को ध्यान रख लेना है, ऐसा कहीं आपके साथ ना हो जाए, ठीक है। और कोई भी आपको डाउट लगता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। गाइस, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट न्यू अपडेट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू गाइस।